S-Chan presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Hello everyone. In the last two lectures we learned groups. Then in the second lecture we learned ZN and UN. Now I'll be starting with interesting group, that is cyclic group. It means one element will be generating the complete group. So how come it is, and we'll understand in this lecture. Welcome to S-Chand Academy. I am Dr. Seema Thakran. So if you want to study cyclic groups and complex roots of unity and circle group also in detail, please refer to the book by Vikas Publication. The e-book link is given in the description box below. So let's start with the cyclic group. Then after that we'll do complex roots of unity, and that also forms a group. And the last discussion will be on circle group. It means the elements of a group will lie on a circle. So this we'll be doing in this lecture. So I'll start with cyclic group. It is an interesting group, but to understand cyclic group, first we should know order of an element. So I'll start with order of an element. Order of a group we know. What does mean order of a group? I have already told, but understand that also. Both are totally different. Or order of a group means number of elements in a group. Number of elements in a group. But if we are talking about order of an element, then the definition is, let G be a group. If I am writing G only, that is also understood ki wo composition saath mein maine mention kiya hai. Anyhow, I am writing G star. G star is a group. Let A belongs to G. Then we say that A has order N if N is the least positive integer such that An is E. So very very important. ये आपको ना एक element होगा, उसको अगर composition plus है, थोड़ा सा you need to understand, because दो दो composition पे बहुत depend करता है इसका element का order. Suppose आपका जो group है वो addition के respect में है, इसका मतलब I just इस definition को मैं elaborate कर रही हूँ. इसका मतलब है आपको ना A को कितनी बार आप add करो कि आपका E identity element आ जाए. अगर सपोज कॉम्पोजिशन डॉट है तो आपको करना है कि ए को कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. आप बेसिक से एक छोटा सा एग्जांपल अभी ले सकते हैं हम लोग, एंड दैट इज कि मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट में, एनी ग्रुप जी अगर मैं ले रही हूँ, कॉम्पोजिशन कुछ भी लेते हैं हम लोग, चाहे वो प्लस है, डॉट है, या कोई और स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन अगर आप डिफाइन कर रहे हो, तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज ई, उसको हम नोटेशन ई बेसिकली जो है देते हैं. ई को कितनी बार ऐड करें कि मतलब, और वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. यानी ऐसा नहीं है कि आप ई को 1000 टाइम भी ऐड करोगे ई ही आएगा, बट व्हाट इज द लीस्ट मतलब एडिशन, कितनी बार ऐड करें. तो देयर इज नो नीड टू ऐड. इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1. इसको आप अगर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा. ऑब्वियसली एक ही बार कोई जरूरत ही नहीं है आपको इसको मल्टीप्लाई करने की, ऑलरेडी आइडेंटिटी है. माय पॉइंट इज कि आइडेंटिटी एलिमेंट का एक्सेप्शनल है कि उसका ऑर्डर जो है हमेशा 1 होता है. दैट इज द 1 थिंग. फॉर अदर एलिमेंट्स यू हैव टू चेक कि उसको आप कितनी बार ऐड कर रहे हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, एंड कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है. दिस इज वन थिंग, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. नाउ आई एम कमिंग टू साइक्लिक ग्रुप्स. वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप, क्योंकि एक ही एलिमेंट जनरेट कर देता है इसको. सो साइक्लिक ग्रुप डेफिनेशन, सेट जी कॉम्पोजिशन दिस इज, एंड दिस इज नॉन एम्प्टी,
इन फर्स्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली इट शुड बी नॉन एम्प्टी. अगर आप कोई एम्प्टी सेट लोगे उस पर कोई ग्रुप का डिस्कशन नहीं होगा. अ सेट इज अ साइक्लिक ग्रुप इफ फर्स्ट थिंग इट इज अ ग्रुप एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग. यानी सेट से ही एक एलिमेंट पिक करना है आपको, ग्रुप से ही आएगा ए बिलोंगिंग टू जी. Such that all the elements of the group are some power of G. इसको आप दूसरी लैंग्वेज में भी ले सकते हो कि हर एलिमेंट उस एलिमेंट की कुछ पावर करके आपको मिल रहा है. यानी एक सिंगल एलिमेंट ने पूरे ग्रुप को जनरेट किया है. और इसमें क्या क्या कुछ फैक्ट्स हैं इसके इस ग्रुप से रिलेटेड, लेट मी जस्ट राइट. पहली बात नोटेशन. सो आप अगर एक सेट अगर एक ग्रुप अगर जनरेट होता है तो आप उसको ऐसे राइट करते हो. कहने का मतलब है दिस इज हाउ यू कैन राइट कि एक सिंगल एलिमेंट उसको जनरेट कर रहा है. दिस इज हाउ ऑल्सो राइट, दैट्स फाइन. नाउ आई एम जस्ट और एक और चीज है कि इसमें इस ए को आप जनरेटर बोलते हो. ए इज द क्योंकि ये जनरेट कर रहा है एक ही एलिमेंट, जनरेटर ऑफ द ग्रुप जी. एक छोटे से एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ आएगा. मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं. सो आई एम टेकिंग दिस प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा. आयोटा आप लोगों को पता है, अंडरस्टूड है. आयोटा स्क्वायर आपका माइनस वन होता है. कॉम्प्लेक्स थ्योरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप ट्वेल्थ क्लास में कर चुके हैं. आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन. पहली चीज ये जो है दिस जी विद रिस्पेक्ट टू डॉट इज अ ग्रुप. पहली चीज इट्स नॉट विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन कॉम्पोजिशन एज आई टोल्ड यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जी डॉट इज अ ग्रुप कैसे. अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आप देखोगे, देखो वन एनी एलिमेंट यू आर एडिंग यू विल बी गेटिंग आयोटा प्लस आयोटा डॉट आयोटा आप कर रहे हो एंड आयोटा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा करोगे. क्लोजर होल्ड करेगी. Then associative also holds. आप कोई भी दो एलिमेंट लो मल्टीप्लाई करो आयोटा इंटू आयोटा करोगे आयोटा स्क्वायर आएगा. उसकी वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन सेट के अंदर है. माइनस वन इंटू माइनस वन करोगे वन है, वो सेट के अंदर है. वन इंटू वन ऑब्वियस है. देन आयोटा इंटू माइनस आयोटा भी आप कर सकते हो, वो भी माइनस आयोटा सेट के अंदर है. सो क्लोजर होल्ड कर रही है एसोसिएटिव. आइडेंटिटी एलिमेंट आप बता सकते हो. एनी हाउ आई टोल्ड यू कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जनरली क्या होती है आइडेंटिटी वन, और इस केस में भी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज वन. नाउ द इनवर्स पार्ट चेक करते हैं. कैन यू फिगर आउट द इनवर्स. वन का इनवर्स का मीनिंग है कि वन को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास वन आए, ऑब्वियसली वन. माइनस वन को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि वन आए, माइनस वन. आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करो कि वन आए, यहाँ पे माइनस आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है और आपको पॉजिटिव चाहिए तो माइनस आयोटा. द सेम वे माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, इट इज आयोटा. सो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है एंड एसोसिएटिव क्लोजर भी होल्ड कर रही है. इट इज अ ग्रुप. सो दिस इज अ ग्रुप. कमिंग टू द पॉइंट कि ये साइक्लिक कैसे है. अब आप एकदम से ऐसे फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि ये, मैंने इसीलिए थोड़ा सा स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल लिया है कि इसको आप फिगर आउट कर पाओ. आपके पास कितने एलिमेंट्स है सेट के अंदर, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा. अगर आप चार ही एलिमेंट है, अगर मैं वन से शुरू करती हूँ और मल्टीप्लीकेशन है तो वन को आप मल्टीप्लाई करते जाओ. तो जब आप वन को मल्टीप्लाई करोगे तो वन ही आएगा, वन स्क्वायर भी वन. तो ये तो कोई जनरेट नहीं कर रहा. यानी जब आप वन की वन को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, इट मीन्स इट इज नॉट अ जनरेटर. द सेम वे माइनस वन भी जनरेटर नहीं है. आयोटा से स्टार्ट करते हैं. आयोटा आयोटा वन पावर इज आयोटा. आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन. आयोटा क्यूब क्या होगा, इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ. आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में माइनस वन इंटू ये माइनस आयोटा देगा आपको. आयोटा टू द पावर फोर क्या है, आयोटा टू द पावर फोर इज, इसको ब्रेक कर लेते हैं, माइनस वन इंटू माइनस वन वन. आयोटा फाइव कितना है, अब मैं ऐसे ब्रेक करूंगी क्योंकि मेरे पास आयोटा फोर की ऑलरेडी वैल्यू है. सो वन इंटू आयोटा. देन आयोटा सिक्स.
आयोटा 6 को मैं क्या करती हूँ, आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर राइट करते हैं. आयोटा 4 की वैल्यू कितनी है 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 1, सो इट इज माइनस 1. कैन यू सी रिपीटेशन शुरू हो गया है, आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1 आयोटा एंड माइनस 1. यहाँ से देखो रिपीटेशन शुरू हो गया. इफ़ यू ऑब्जर्विंग इट, आई जस्ट राइट I7 ऑल्सो एंड I8. सो I7 को आप लिख सकते हो I4 इंटू I3. I4 की वैल्यू कितनी है इट इज 1 एंड I3 कितना है इट इज माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा. I8 कितना है I4 इंटू I4 एंड दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज 1. सो आप देखो यहाँ ऑनवर्ड्स आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1, द सेम वे आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में ये रिपीट होना शुरू हो गया. वट यू कैन से नाउ, एक एलिमेंट की सिंगल पावर्स आपको पूरे सारे एलिमेंट्स दे रही है. इट मीन्स आयोटा इज दी जनरेटर. एक ही एलिमेंट की पावर्स से यू आर गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स, जनरेटर ऑफ द सेट ऑफ द ग्रुप आई शुड से जी. अब अनदर फैक्ट इज, अगर आप इफ ए इज द जनरेटर, आप इसमें चेक भी कर सकते हो, ए इज द जनरेटर देन ए इनवर्स 100% इज विल देन विल ऑल्सो बी जनरेटर. सो इट मीन्स कि आपके पास अगर कोई भी एनी हाउ यू हैव टू फिगर आउट समटाइम्स आफ्टर प्रैक्टिस यू गेट टू नो कि कैसे कैसे जनरेटर आप निकाल रहे हो. इस सेट में अगर आयोटा आपका जनरेटर था देन माइनस आयोटा, बिकॉज माइनस आयोटा इस केस में आयोटा का इनवर्स इज माइनस आयोटा, ये अभी हमने किया था. यू कैन सी अभी वी डिफाइंड जस्ट व्हेन आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दी माइनस आयोटा का इनवर्स इज आयोटा. तो यानी ये दोनों जनरेटर है एंड प्लस माइनस 1 जनरेटर नहीं है. कहने का मतलब है इसके कितने जनरेटर्स हुए, 2. सो आयोटा इनवर्स इज दिस, देयरफॉर दिस इज आल्सो आई शुड राइट माइनस आयोटा इज आल्सो अ जनरेटर. इन स्टैंडर्ड नोटेशन जी को आप ऐसे राइट कर सकते हो कि ये आयोटा से भी जनरेट हो रहा है और माइनस आयोटा से भी. सेट कैन हैव लाइक, इट्स नॉट दैट यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा ही आपके जनरेटर्स हैं. सेट कैन हैव मोर देन 1 जनरेटर्स और मोर देन 2 ऑल्सो यू कैन से, क्योंकि अगर एक जनरेटर है तो 2 तो ऑब्वियस होंगे बिकॉज उसका इन्वर्स भी 101% जनरेटर होगा. तो 2 तो होंगे ही, अगर एक जनरेटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी, तो 2 तो मिनिमम हो जाएंगे इनकेस देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ जनरेटर. नाउ द थिंग इज, आप इसी में इसी ग्रुप को देखो ध्यान से. अब आई डिस्कस द सेम ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं, और सॉरी सर्कल ग्रुप की बात करते हैं. सर्कल ग्रुप में क्या खास है, आप अभी यही वाला सेट लो. आई कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो. डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 1 दिस इज एक्स, दिस इज x and this is y. I should say imaginary axis. This is real axis. अब आप इसको सिर्फ draw करो and check ये है क्या exactly. z 1, then यहाँ पे minus 1. Iota का meaning क्या होता है कि imaginary पे iota, यानी this is iota and this is minus iota. This is how you, अब आपने इसको ये बेसिकली आपके जो एलिमेंट्स हैं, यू कैन सी ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल एंड द डेफिनेशन इज मॉड जेड इक्वल टू 1 वेयर योर जेड इज ए प्लस आयोटा बी एंड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यानी अगर आपके ये सेम जो एलिमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं ये बेसिकली सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो अगर एलिमेंट्स आपके सर्कल पे लाई करते हैं आप उसको सर्कल ग्रुप बोलते हो. तो देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. अब आप इसको रेडियस को यू कैन मेक 2, 3, देन हेयर ऑल्सो यू कैन मेक द चेंज एंड दिस इज हाउ यू जस्ट चेक. आप उसको ड्रॉ करके यू कैन इजिली सी कि वो पूरे सर्कल के ऊपर आ रहे हैं. दिस इज हाउ यू चेक द सर्कल ग्रुप. नाउ आफ्टर द ब्रेक आई विल बी डिस्कसिंग द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी. ग्रुप डिस्कशन विल बी जस्ट डूइंग आफ्टर द ब्रेक. हेलो स्टूडेंट्स,
Welcome to Ashan Academy. I am Aditya and I'll be teaching you botany for all the four semesters of your bachelor's curriculum. आप जानते होंगे कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा एरिया एग्रीकल्चरल एरिया है और हमारे कंट्री में लगातार ऐसे रिसर्चर्स, ऐसे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है जो प्लांट्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हों, और उसी की वजह से आपके बैचलर्स और मास्टर्स करिकुलम में कई बार बॉटनी एक सब्जेक्ट की तरह होता है। तो बैचलर्स के इसी कोर्स को पढ़ने के लिए हमने ये वीडियोज़ प्रिपेयर किए हैं एंड एश्चांद अकेडमी विल बी ब्रिंगिंग दिस थ्रू देयर चैनल। इन वीडियोस में हम चारों सेमेस्टर्स के अलग अलग करिकुलम को कवर करेंगे, जिसमें पहले सेमेस्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, अर्ली प्लांट्स के बारे में, जैसे कि एल्गी और फंजाई के बारे में होगा। दूसरे सेमेस्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोलॉजी, प्लांट की इकोलॉजी पर्टिकुलरली और प्लांट की टेक्सोनॉमी। तीसरे सेमेस्टर में प्लांट की फिजियोलॉजी की बात की जाएगी और चौथे सेमेस्टर में प्लांट बायोकेमिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन होगा। These videos are going to be really interesting. इसमें बहुत सारे inputs, बहुत सारे illustrations और एश्चांद publishing की जो अपनी books हैं उनकी तरफ से दिए गए content को explain किया जाएगा। I hope you will enjoy them. See you there very soon. Welcome back to Eschand Academy. So before going to the break, we discussed order of an element, then cyclic group, a group which is generated by only one element of this group. Then we discussed circle group, and the points were lying on a circle, then such groups we call circle group. Now we discuss complex roots of unity. It means complex means some discussion will be on complex numbers. And such groups or such sets also form group. So let's start complex roots of unity. कैसे इसको आप start करते हो? So it means कि ऐसे elements z belonging to the complex number. This is a complex number. कि उसका जो पावर है दैट इज गिविंग वन, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दिस कॉन्सेप्ट, अगर ये रियल नंबर होता ना तो आपको पता है कि इसके रूट्स क्या होते हैं। यू क्लियरली सी कि प्लस माइनस वन होते हैं, बट डोंट मिसअंडरस्टूड दिस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप कैसे डिफाइन करते हो? फर्स्ट आई विल जस्ट ब्रीफ यू कि इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। सो जेड एन इक्वल टू वन, इट मीन्स जेड इज वन टू द पावर वन बाय एन, इसको मैंने यहाँ पे लिया। आप इसको वन को आप कॉम्प्लेक्स, एक आपको फॉर्मूला पता है कॉम्प्लेक्स में कि ई आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन एनी नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी कैन बी रिटन इन द टर्म आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कहने का मतलब है कि वन वन लिखना है आपको और इसको कॉस और साइन की टर्म्स में लेके आना है। कौन सा ऐसा एंगल है जो इसको फुलफिल करेगा? वेरी क्लियर, क्योंकि यू आर अवेयर अबाउट एंगल्स कि कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन दिस, और ये आता है आपका बेसिकली डी मैवरेज थ्योरम से, एम ओ आई वी आर ई मैवरेज थ्योरम। अब इसके बाद आप देखो साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन, तो ये कंप्लीटली वन ही आ गया, यानी ये जो अंदर एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसकी वैल्यू वन ही है। नाउ दिस इसको अगर मैं डी मैवरेज थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो दिस इज टू पाई आयोटा प्लस जीरो, एंड ये आपका जो नंबर है दिस कम्स इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? इसको प्लस आयोटा साइन टू पाई आयोटा बाय this, actually this will be only 2 pi, iota is just outside. So इस expression को आप इससे compare करो। अब यहाँ पे देखो iota है और ये जो theta है ना ये power में, मतलब इसको मैं अब e की terms में लिखूंगी थोड़ा सा squeezed way में, और you can say थोड़ी सी standard notation, and यहाँ पे एक k introduce करेंगे because एक 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 root नहीं आता है इसके। Do you know कि एक अगर एक एक्सप्रेशन है उसकी पावर अगर n है तो कितने रूट्स आते हैं? n रूट्स आते हैं। इसका मतलब ये जो आंसर है ना ये आपके n रूट्स आएंगे डिपेंडिंग ऑन k, और k की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होके n माइनस वन तक जाती है।
n power. So थोड़ा सा you should understand कि generally कैसे करते हैं. So I hope understood कि 1 को express किया. Suppose यहाँ पे minus 1 है, anyhow we are not discussing that case. तो minus 1 में क्या करोगे, यहाँ पे आप pi use कर सकते हो, cos pi, because cos pi की value minus 1 है. तो वो केस भी सेम वे डिस्कस कर सकते हो, बट एज पर आर कोर्स वी हैव टू डिस्कस ओनली कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी. इट मीन्स ओनली वन, फॉर वन वी आर डिस्कसिंग. आपके ये रूट्स आ गए, यू हैव टू मेमोराइज दीज रूट्स. इसका मतलब आपका जो रूट्स का पैटर्न है वो ये रहेगा. इसको आप cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में भी लिख सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप इसको अभी इसी फॉर्म में राइट करो. सो k फ्रॉम, स्टार्ट करते हैं द मोस्ट स्टैंडर्ड वन. आप n को 3 लेते हैं, बिकॉज अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड n की टर्म्स में फॉर यू. आप z क्यूब इक्वल टू 1 के क्या रूट्स होंगे, एनीवन? सिर्फ यहीं से मैचअप करो. सो द रूट्स जो हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कैसे, यहां पे सेम वे 2 पाई बाय n के, n इज 3, n इज 3 दिस टाइम, एंड आयोटा k की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2. नाउ आई एम राइटिंग द 3 एलिमेंट्स, क्योंकि ज्यादा नहीं है, 3 ही रूट्स हैं हमारे पास. उनमें क्या क्या खास है, जस्ट अंडरस्टैंड 0 पे क्या वैल्यू आएगी. सो दिस इज बेसिकली cos 2 पाई k प्लस आयोटा साइन, एंड टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ एंगल्स. 0 पे k इज 0, 0, क्या वैल्यू आएगी आपकी, 1 ओनली. जब आप k को 1 ले रहे हैं, क्या आएगा, 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3. देन जब आप इसको 2 लोगे, क्या आएगी वैल्यू, cos 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3. 2 पाई बाय 3 कितना होता है आपका, 2 इंटू 180 अपॉन 3, 60, 120. आई होप यू नो कि cos 120 आप कैसे कैलकुलेट करते हो. हाउ यू कैलकुलेट, यू राइट इट एज 180 माइनस 60. 180 माइनस 60 कौन सा आपका क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. और यू नो कि x 14, 32. दिस इज हाउ यू मेमोराइज. इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसमें टैन और इसमें आपका कॉस. तो जब आप कॉस ऑफ 180 माइनस, इस लाइन की बात कर रहे हो, 180 माइनस 60, इट मीन्स ये वाला क्वाड्रेंट. सो 180 माइनस 60 यानी नेगेटिव साइन आएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा. इसका मतलब इसकी वैल्यू अल्टीमेटली आपकी माइनस कॉस 60 डिग्री. साइन को कोई, साइन में कोई इश्यू नहीं, इट मीन्स साइन 60. अब इस पे आते हैं, 4 पाई बाय 3. 4 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 180. इट मीन्स दिस इज 240 दिस टाइम. सो कॉस ऑफ 240 के लिए व्हाट टू डू, दिस इज बेसिकली कॉस ऑफ 240 प्लस आयोटा साइन 240. यू हैव टू डू इट ट्वाइस, बिकॉज सिंगल उसमें कैलकुलेशन में नहीं हो रहा है. इट कैन बी रिटन फर्स्ट 360 माइनस 120 प्लस आयोटा साइन 360 माइनस 120. तो ये 360, इस लाइन पे भी कोई चेंज नहीं होता जब आप 360 यूज कर रहे हो. 360 माइनस समथिंग मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है. सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग कॉस 120 प्लस आयोटा साइन 120. इसको आप कैसे राइट करोगे, कॉस 180 माइनस 60 प्लस आयोटा साइन 180 माइनस 60. अच्छा, यहाँ पे जो साइन वाला है ना, साइन वाला नेगेटिव होगा, बिकॉज साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. यहाँ पे ओनली चेंजेस कि आपका ये वाला प्लीज नेगेटिव होगा. दिस इज समथिंग यू जस्ट नोट डाउन. सो दिस इज हेयर यू हैव नेगेटिव साइन. नाउ कॉस ऑफ 180 माइनस 60 अभी किया था हम लोगों ने, अगेन अब इस बार ये वाला नेगेटिव होगा, ये सेम रहेगा. सो माइनस कॉस 60 एंड माइनस आयोटा साइन 60, ये वैल्यूज आ गई आपकी फाइनली. लेट्स कैलकुलेट नाउ कि ये अल्टीमेटली वेयर इट इज, कौन सी वैल्यूज हैं ये और क्या स्पेशल है इन वैल्यूज में. सो वन इज, फर्स्ट इज 1, देन दिस इज माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री,
और ये वैल्यू अल्टीमेटली कन्वर्टिंग टू माइनस कॉस 60 एंड माइनस आयोटा साइन 60. तो ये तीन एलिमेंट्स हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट हैं. एंड क्या क्या है ये वो देखो, ये बहुत ही स्पेशल ग्रुप है. सो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है एंड साइन 60 की, आई होप यू नो देन अगेन द टेबल. कैसे आप राइट करते हो, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडिंग बाय 4. सो कॉस दिस इज 60, साइन 60 इज अंडर रूट 3/2 एंड कॉस 60 ऑटोमेटिकली इसका रिवर्स, सो इट इज हाफ प्लस आयोटा एंड द अनदर वैल्यू इज दिस वन. ये तीन रूट हैं. अब इनमें इनमें क्या खास है वो देखो, खास क्या है. फर्स्ट को हम लोग जनरली जब इस सेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो व्हाट वी राइट, ये इसको ओमेगा नोटेशन देते हैं हम लोग, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है एनी हाउ. और ये ना ओमेगा स्क्वायर है. क्यों इसको ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं, आप इसको भी ओमेगा ले सकते हो, ये भी ओमेगा स्क्वायर बनेगा. सो ये जो ग्रुप है ना आपका, दिस इज एनी हाउ ओमेगा क्यूब की वैल्यू विल ऑलवेज बी वन. ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा वन आएगी और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी जीरो. दिस इज अनदर थिंग. अब ये सेट है आपका साइक्लिक ग्रुप, दिस इज साइक्लिक ग्रुप. क्यों देखो आप ओमेगा, अच्छा ये ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ओमेगा क्यूब इज वन. ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स जो है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स इज ओमेगा और ओमेगा का इन्वर्स इज ओमेगा स्क्वायर. वन का इन्वर्स वन है. दिस इज हाउ दिस सेट इज. तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट वन है इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट इज वन. इन्वर्स मैंने डिफाइन किए हैं कि ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है और ओमेगा का इन्वर्स क्या है. ये एक ग्रुप है और ये साइक्लिक ग्रुप है. इसमें खास जो है साइक्लिक, द जनरेटर इज ओमेगा. वन और वन जनरेटर नहीं है, द जनरेटर इज ओमेगा. जनरेट करके देख लो आप, ओमेगा की वन पावर इज ओमेगा, ओमेगा की टू पावर इज ओमेगा स्क्वायर और जैसे ही आप ओमेगा क्यूब करोगे इट विल गिव यू वन. सारे एलिमेंट्स आ गए आपके. अगर ओमेगा जनरेटर है तो ओमेगा का जो इन्वर्स है ना वो भी जनरेटर होगा. इट मीन्स दीज आर द टू जनरेटर्स फॉर दिस ग्रुप. एंड ये मैंने ओमेगा क्यूब के लिए किया है. एनी हाउ अगर आप देखो एन को आप कुछ भी वैल्यू दोगे यहाँ से, वेर आई लेफ्ट द सोल्यूशन, यहाँ से आप एन को 4 वैल्यू दोगे, 5 वैल्यू दोगे, 6 दोगे. दिस इज हाउ यू कैन राइट ऑल द एलिमेंट्स. ग्रुप आएगा एंड यू कैन फिगर आउट कि उसके अंदर क्या क्या खास है. जेड क्यूब एनी हाउ आपका साइक्लिक ग्रुप है और Z4, Z5 के लिए यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन सी और उसके जनरेटर्स भी वी हैव डिस्कस्ड. इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न साइक्लिक ग्रुप, सर्कल ग्रुप एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी. इफ यू वॉन्ट टू स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल प्लीज रेफर टू द बुक बाय विकास पब्लिकेशन. द ई बुक लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डोंट फोगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एस चांद अकेडमी. डोंट फोगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.